नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माई सिंपल होम गार्डन पर। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 15 ऐसे पौधे जिनकी एक इंच की भी कटिंग, फ्रेंड्स एक इंच की भी कटिंग आपको कहीं से मिल जाती है तो वो कटिंग ग्रो हो जाएगी। और ये कटिंग्स ऐसी है फ्रेंड्स, ये सारे पौधे ऐसे कि फास्टली ग्रो होते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और अभी मई जून का महीना है तो बहुत ही बढ़िया से ये लग जाएगी फ्रेंड्स। वैसे तो इनको आप किसी भी सीज़न में लगाते हैं तो लग जाएगी। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं नाम। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है मदर ऑफ थाउजेंड। और इसके देखिए फ्रेंड्स, लीफ में ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स ये छोटे छोटे, ये देखिए कितने छोटे हैं, इनको बस ये एक भी जैसे फ्रेंड्स आपके ये इस तरह से आपको मिल जाए। और देखिए कितने सारे इसके पौधे तैयार हो जाते हैं, देखिए कितने छोटे हैं। इस तरह से आप इसके गमले में डाल भी देते हो फ्रेंड्स, देखिए इसके कितने सारे हज़ारों इसके पौधे बन के तैयार हो जाते हैं। और देखा फ्रेंड्स कितने छोटे छोटे हैं ये। इसका आपको छोटा सा बेबी प्लांट भी मिल जाए फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसका पौधा आप घर पर ही इजीली तैयार कर सकते हो। इस लिस्ट में नेक्स्ट है जेड प्लांट्स। फ्रेंड्स जेड प्लांट की भी कटिंग आपको एक इंच की भी कहीं से मिल जाती है फ्रेंड्स। इसकी भी जो कटिंग है, छोटी छोटी कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है। मैंने काफ़ी सारी देखी फ्रेंड्स इसकी कटिंग ग्रो करी थी, क्योंकि मैंने जेड प्लांट को प्रून कर दिया था तो छोटी छोटी कटिंग्स भी मैंने देखी इस तरह से इनमें लगा दी थी फ्रेंड्स, तो वो भी ग्रो हो गई और बहुत ही फास्टली ये कटिंग्स ग्रो होती है। तो आप इसे भी ज़रूर लगाइए। देखिए फ्रेंड्स इस वाले पॉट में भी मैंने लगा दी थी, वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो जेड प्लांट भी एक इंच की भी कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट है ये सीडम। सीडम में काफ़ी सारी वैरायटीज आती है और सीडम की भी जैसे जो भी प्लांट आप देखो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से ऊपर के टिप की आप कटिंग ले लीजिए, बहुत छोटी भी कटिंग। और देखिए फ्रेंड्स ये है स्टोन क्रॉप सीडम, जिसे लेमन ग्रास भी बोलते हैं। इससे भी आप देखिए छोटी सी कटिंग इसकी आप ऊपर की, ये देखिए इस तरह से टिप की कटिंग को लेके आप सिंपल इसे मिट्टी में ऐसे दबा भी देते हो फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैंने छोटी सी कटिंग को लगा दिया था, ये भी कितनी अच्छे से ग्रो हो गई। छोटी सी कटिंग को ले लें, बस उसे हमें मिट्टी में हल्का सा फ्रेंड्स दबा देना, हल्का सा प्रेस कर देना। जैसे ही वो मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं तो जल्दी से ये रूट्स बना लेते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी फास्टली ये कटिंग्स ग्रो होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक हफ्ते में ही बहुत ही जल्दी ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट है गोस्ट प्लांट, जिसे मदर ऑफ पर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसकी भी छोटी छोटी इस तरह से बेबी प्लांट्स ये निकालता है, इसके स्टेम के ऊपर छोटी छोटी इस तरह से फूल जैसे ऐसे बेबी प्लांट्स बनते हैं फ्रेंड्स। उन्हें भी हम निकाल के इस तरह से मिट्टी के टच में जैसे सिंपल हम रख देते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे मैं यहाँ पे रख के बता रही हूँ, ऐसे भी हम रख देंगे तो इसमें जल्दी से जड़ें बन जाती है हफ्ते भर के अंदर ही। और छोटे छोटे देखिए इसके प्लांट्स भी, देखिए इस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं और ढेरों इनके जो है प्लांट्स हम तैयार कर सकते हैं। इसके भी देखिए इतनी भी आपको छोटे से प्लांट मिल जाए, एक इंच की कटिंग मिल जाए तो ये भी ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो यह है टर्टल वाइन। फ्रेंड्स टर्टल वाइन की भी एक इंच की कटिंग देखिए फ्रेंड्स ऊपर की टिप की, बस इतनी सी कटिंग आपको मिल जाती है फ्रेंड्स। और आप इसे मिट्टी में सिंपल आप हल्के से दबा के रख भी देते हो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, तो इस पर बहुत जल्दी जड़ें बन जाती है हफ्ते भर में। और ये जो प्लांट है बहुत फास्टली ग्रो होता है, 15 दिन के अंदर ही पूरे पॉट को कवर कर लेता है फ्रेंड्स। और ये बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला ये प्लांट होता है। नेक्स्ट है पीलिया डिप्रेसा। इसमें दो तरह की वैरायटी आती है, एक बड़ी पत्तियों वाली, एक बारीक पत्तियों वाली फ्रेंड्स छोटी। और देखिए फ्रेंड्स इसकी भी छोटी सी, ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, इतनी सी भी कटिंग आपको कहीं से मिल जाती है। और फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आप मिट्टी में हल्का से इसको दबा भी देते हो तो ये भी बहुत फास्टली ग्रो हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी ये बढ़ जाती है, हफ्ते भर में ही उसमें जड़ें बन जाती है और 15 दिन में तो पूरा जो है आप जिस किसी भी पॉट में लगाते हो उसमें इस तरह से इसकी ग्रोथ होने लगती है। बहुत ही फास्टली ग्रो होने वाला ये प्लांट होता है और एक इंची कटिंग से भी लग जाता है। नेक्स्ट है टैंगल हार्ट। फिर टैंगल हार्ट्स भी ऐसा प्लांट होता है, ये भी फास्टली बहुत ग्रो होता है। अभी जो है इसका ग्रोइंग पीरियड है फ्रेंड्स मई जून में भी, आप इसके देखिए इस तरह से टिप की कटिंग, देखिए इतनी छोटी भी कटिंग आप इसकी लगा दोगे फ्रेंड्स तो ये भी बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाती है। इसमें भी हफ्ते भर में जड़ें बन जाती है और देखिए फ्रेंड्स इतना जल्दी देखिए कितने तेज़ी से ये ग्रो होता है, ये 10 दिन में ही इतना बड़ा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने ये लगा दिया और हफ्ते भर में ये इतना बड़ा ये हो जाता है। इसकी भी आप इस तरह से छोटे छोटे इसमें पॉट में आप छोटी छोटी कटिंग्स को लगा दीजिए, सिंपल गार्डन सॉइल में भी आप लगाते हो फ्रेंड्स तो ये बहुत ही फास्टली ग्रो हो जाती है। वंडरिंग जो भी एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी भी एक इंच की भी कटिंग इसकी लग जाती है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से टिप की कटिंग, ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ और देखिए फ्रेंड्स कितनी छोटी कटिंग है। और आप किसी भी सिंपल गार्डन सॉइल में भी आप इसे लगा दीजिए, कोई स्पेशल मिट्टी में भी नहीं तो भी ये फ्रेंड्स बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो जाती है हफ्ते भर के अंदर ही।
क्रीपिंग चेरी भी बहुत ही तेज़ी से और फास्टली ग्रो होने वाला ये प्लांट होता है फ्रेंड्स। और अभी तो इसका सीज़न है तो ये डबल से ग्रोथ करते हैं। और इस भी प्लांट की देखिए फ्रेंड्स, टिप की इतनी छोटी सी कटिंग आप देख रहे हो फ्रेंड्स, कितनी छोटी कटिंग है। ये भी आप सिंपल कोई भी गार्डन सॉइल में, और अगर आपके पॉट में नीचे जगह खाली हो आप वहाँ पर भी इसे देखिए इस तरह से आप दबा देते हो तो ये काफ़ी जल्दी ये ग्रो हो जाती है। इसमें भी हफ्ते भर के अंदर जड़ें बन जाती है फ्रेंड्स, और 15 दिन में ही आपकी कटिंग ग्रो हो जाती है, फैलने लगती है। नेक्स्ट ये है वेरीगेटेड अजवाइन का प्लांट। फ्रेंड अजवाइन के भी प्लांट्स ऐसे होते हैं, इसकी भी छोटी छोटी कटिंग हम जैसे कट करके लगा देते हैं तो वो भी ग्रो हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो ये भी प्लांट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और इसके सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा ये ग्रोथ करता है जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स। तो इसके देखिए यहाँ से मैं आपको कटिंग को कट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इतनी छोटी भी कटिंग आप कट करके सिंपल कोई भी गार्डन सॉइल में आप लगा देते हो फ्रेंड्स, या वन पार्ट सॉइल वन पार्ट सैंड में, तो भी ये ग्रो हो जाएगी। और फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपको बस सिंपल ऐसे दबा देना है तो ये आपके 15 दिन में बहुत ही बढ़िया से ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट ये देखिए, ये सिंपल वाली हमारी ग्रीन वाली वेराइटी अजवाइन की, ये भी छोटी सी कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है और ये भी प्लांट जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है फ्रेंड्स, बहुत ही फास्टली ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से छोटे छोटे पप्स निकलते हैं जिसे रनर्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स। और इसके छोटे छोटे रनर्स जैसे कि आप देख रहे हो, देखिए कितने छोटे छोटे हैं, और इसके डंडे में भी काफ़ी छोटे छोटे इस तरह से रनर्स बने होते हैं। इनको भी आप देखिए इस तरह से कट कर देते हो, देखिए यहाँ पर इस तरह से आप इनको तोड़ के फ्रेंड्स, अगर आप सिंपल जैसे गार्डन सॉइल में किसी भी पॉट में आप इनको इस तरह से देखिए फ्रेंड्स फंसा भी देते हो, या फिर हल्का सा मिट्टी से आप इन्हें टच भी कर देते हो तो ये भी आपके काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेबी टीयर, और इसकी भी 1 इंच की भी कटिंग फ्रेंड्स आपको कहीं से मिल जाती है, आप कट करके लगा देते हो तो ये भी आसानी से ग्रो हो जाती है और बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो होती है फ्रेंड्स। और आप इस कटिंग को किसी भी तरह की गार्डन सॉइल में आप लगाते हो फ्रेंड्स तो ग्रो हो जाएंगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। और इसी तरह से देखिए टिन प्लांटर में मैंने लगा दी छोटी छोटी कटिंग्स, काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ गई है। नेक्स्ट है ये हाइब्रिड कैलेंचो। हाइब्रिड कैलेंचो हो फ्रेंड्स या देसी कैलेंचो, इनकी भी आप छोटी छोटी कटिंग जैसे कट करके लगा दोगे फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। वन पार्ट सैंड और वन पार्ट सॉइल में तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, सिंपल हम सैंड में भी लगा देते हैं तो ये ग्रो हो जाएगी। और फ्रेंड्स इसकी कटिंग भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाती है, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स इस तरह से भी आप ऊपर की टिप की कटिंग को कट करके देखिए उसी पॉट में भी आप लगा दोगे तो ये ग्रो हो जाती है। और अभी तो इसका बहुत ही बढ़िया सीज़न है ग्रो करने का, क्योंकि गर्मियों में ये प्लांट हमारे पास में जो है खराब होने लगते हैं। इस तरह से हम इनकी कटिंग्स लगा के इनको हम बचा सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए फ्रेंड्स अभी हम इन्हें सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेबी सनरोज। फ्रेंड बेबी सनरोज में बहुत ही खूबसूरत देखिए इस तरह से पिंक कलर के फूल खिलते, और इसकी भी कटिंग जो है छोटी से छोटी कटिंग इसकी लग जाती है फ्रेंड्स, 1 इंची की भी कटिंग ग्रो हो जाती है और बहुत ही तेज़ी से ये इसकी कटिंग ग्रो होती है फ्रेंड्स। और इसके सीज़न में इसकी कटिंग ग्रो करते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही बढ़िया हमें रिजल्ट मिलता है। देखिए इस तरह से आपको कटिंग को लेना है, सिंपल देखिए इस तरह से आपको मिट्टी में दबा देना है और किसी भी गार्डन सॉइल में आप लगा दोगे फ्रेंड्स तो इसकी भी कटिंग बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने लगती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये है पर्सलिन, और पर्सलिन भी काफ़ी सारे कलर्स में और वेराइटीज़ में आते हैं फ्रेंड्स। और इस भी प्लांट की 1 इंची की भी आप कटिंग लगा दोगे फ्रेंड्स तो ये भी काफ़ी इजीली ग्रो हो जाती है, किसी भी गार्डन सॉइल में आप लगा दीजिए और बहुत ही फास्टली ये ग्रो होती है। नेक्स्ट है मॉस रोज, जिसे पोचलू का भी बोलते हैं फ्रेंड्स, और ये भी इसकी भी 1 इंची की कटिंग आपको कहीं से मिल जाती है या फिर आप इसे कट करके लगाते हो फ्रेंड्स तो ये भी बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो जाती है। इसमें भी हफ्ते भर में जड़ें बन जाती है और काफ़ी जल्दी ये फैलते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको ऊपर से टिप की कटिंग को कट कर लेना है, और अगर आप पत्तियाँ नहीं भी हटाते हो इस तरह से आप मिट्टी में हल्के से प्रेस कर देते हो तो ये बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सारी कटिंग्स को ग्रो किया था, छोटी छोटी कटिंग्स, इनमें अब फ्लावरिंग भी हो रही है तो इस तरह से आप छोटे छोटे पॉट में भी इनकी कटिंग्स को लगा देते हो छोटी छोटी, ये देखिए इस तरह से, तो ये भी आपकी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये अभी समर सीजन में बहुत ही बढ़िया ये फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स होते हैं और कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स ये थे वो 15 पौधे जिनकी 1 इंच की भी कटिंग अभी आप लगाते हैं तो लग जाएगी और बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ती है। तो मेरी ये आज की जानकारी फ्रेंड्स आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।